press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत की सुप्रीम कोर्ट की लॉयर नाज़िया इलाही खान जी को, जो कि अपने बेबाक और दमदार अंदाज के लिए जाने जाती हैं, और वो इंटरव्यू देंगी पाकिस्तान की मशहूर यूट्यूबर निमरा अहमद को, और वो बात करेंगी केरला में हुए जो बॉम्ब ब्लास्ट है उसके बारे में। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। उस इवेंट के लिए क्या कहता है? वो कहता है, मैं आपको डायरेक्ट न्यूज़ से सुना देती हूँ, व्हाट हमास लीडर खालिद मशाल सेड इन द इवेंट वीडियो रिकॉर्डिंग में। ही आस्क्ड फॉर डोनेशन, हाउएवर हिज नेट वर्थ इज 4 बिलियन। ही वांट्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट इजराइल इन इंडिया। ही आल्सो कॉल्ड फॉर जिहाद। कतर से नाराज सऊदी अरबिया है, इजिप्ट है, बहरैन है, तुर्की है, और लगभग सारे मुस्लिम ममालिक नाराज हैं। और कई बार इन तमाम मुस्लिम ममालिक ने कतर को इस बात का अल्टीमेटम दिया है कि तुम अपने टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को बंद करो, लेकिन कतर अपने इस टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को बंद नहीं कर रहा है। केरला में कांग्रेस और अलाई सीपीआईएम की सरकार है, और वो लोग तो जंतर मंतर में बैठे हुए हैं इसराइल की विरोधिता करने के लिए। तो उस सरकार, वो वहां पर तो सरकार तो बिजी है इसराइल की विरोधिता में, तो भाई उस स्टेट के जनता को, इनोसेंट सिटीजन को कौन बचाएगा? महज 18 या 19 घंटे के अंदर अमित शाह जी ने दौरा भी कर दिया और एनआईए की टीम भी वहां पर भेज दी है। अब ये कतर से नाराज सिर्फ भारत नहीं है, कतर से नाराज बहुत सारे मुस्लिम ममालिक हैं। यहाँ तक के कतर में एक न्यूज आता था अल जजीरा, उसको भी सऊदी अरबिया ने बैन किया। वो भी सऊदी अरबिया ने बैन किया था, बहरैन ने बैन किया था, इजिप्ट ने बैन किया था, तुर्की ने बैन किया था। क्यों बैन किया था? क्योंकि कतर ने जब फीफा वर्ल्ड कप किया था तो उसने एक भगोड़े, एक चिटिंगबाज जाकिर नायक को बुलाया था। आप पाकिस्तान से बैठी हुई हैं, आज भारत में बहुत सारे ऐसे जिहादन लड़कियों के चेहरे हैं जो आप स्क्रीन पे भी दिखा रही हैं, जो फलस्तीन जाने की जिद कर रही है, और ये भी अपने मुंह से एक्सेप्ट कर रही है कि हम लोगों ने फंड रेजिंग करवाना स्टार्ट कर दिया है। इन्होंने फंड रेज करवाना स्टार्ट किया है, एक नया कारोबार स्टार्ट किया। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट निमरा और आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल। और आज हमारे साथ मौजूद है नाज़िया इलाही खान। सबसे पहले तो मैम थैंक यू सो मच, आपका वेलकम करना चाहूंगी शो पर। और टॉपिक भी आज हमारा लेटेस्ट खबरों से रिलेटेड ही है, तो थैंक यू सो मच मैम कि आपने वक्त निकाला। वंदे मातरम भारत माता। थैंक यू मैम। और बात करेंगे आज हम, कल एक खबर सामने आ रही थी कि केरला में ब्लास्ट हुआ है और काफी ज्यादा लोग भी वहां पर जख्मी है, लेकिन ये गांधी परिवार था जब भारत के मुसलमान दलितों से भी एडुकेशन में पीछे थे। ये गांधी परिवार ही था जब उत्तर से लेकर दक्षिण और दक्षिण से लेकर केरला की जो गवर्नमेंट है वो हमें सिर्फ प्रोटेस्ट करती भी नजर आ रही है, एंटी इसराइल प्रोटेस्ट चल रहा है। तो ये जो ब्लास्ट हुआ है, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, क्या चीज सामने आ रही है, और केरला की गवर्नमेंट चुप क्यों है, क्या चल रहा है वहां पर? जिस तरह से इसराइल में इसराइल के फेस्टिवल वाले दिन अटैक किया था हमास, और अफरा तफरी का ऐसा माहौल मचाया था, आतंकी ऐसा माहौल बना दिया कि अब इसराइल जवाब दे रहा है हमास को। पूरी दुनिया अब डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट की तरफ देख रही है, आतंकी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने का वक्त आ चुका है। ठीक उसी तरह से क्रिश्चियंस, जो ये वो क्रिश्चियंस थे केरला में जो खुद को एक अलग अलग तरीके का क्रिश्चियन मानते हैं, उनका एक जमघटा वहां पर था और वहां पर टिफिन में रख करके 6 बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं। ये केरला के डिस्ट्रिक्ट कालासरी में हुआ है। कालासरी का की एक इतिहास है कि कालासरी में पहले क्या होता था कि हाथी को पाइनएप्पल के अंदर जहर दे करके मार दिया जाता था। ये कालासरी में पहले इतिहास में हुआ करता था। केरला हमेशा से ही बहुत मतलब न्यूज में बना रहता है हमेशा से, क्योंकि आतंकी एक्टिविटीज वहां पर बहुत होती है।
हालिया में हमने द केरला स्टोरी मूवी देखी थी, जिसमें केरला के सच को दिखाया गया था, जिसमें केरला के वो छुपी हुई घटनाओं को दिखाया गया था, आतंकी एक्टिविटीज को दिखाया गया था, जिससे भारत के सारे मुसलमान नाराज हुए थे, जिससे भारत के सारे मुसलमानों को तकलीफ हुई थी कि बड़े पर्दे पर थिएटर पे क्यों दिखाया जा रहा है। द केरला स्टोरी में कैसे मासूम सनातनी हिंदू लड़कियों को कन्वर्शन करा करके ये केरला में होता आया था, अब कम हुआ, हो रहा था कंटिन्यूसली। केरला में आज भी लड़कियां बेची जाती हैं, केरला में 9-9 साल की बच्चियों को बेचा जाता है, जिस पर कानून को सख्त करने के लिए बहुत सारे काम हमारे केंद्र की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने किया। और जब वो सारी सच्चाई को द केरला स्टोरी मूवी के तहत दिखाया गया तो भारत के मुसलमान बहुत नाराज हो गए। आप लोगों ने अवेसी के माध्यम से हमेशा सुना है, और पाकिस्तान को खुश करने के लिए कांग्रेस और अवेसी ने हमेशा अपनी पूरी कोशिश की है और दौड़ा है एकदम पजामे का नारा टाइट करके कि भाई ऐसी आतंकी हरकतें और ऐसी भाषण देने हैं जिससे पाकिस्तान खुश हो जाए, जिससे पाकिस्तान को ऐसा लगे कि मुसलमान भारत में बहुत डिप्राइव हो रहे हैं। बट फैक्ट अलग है, जो आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है, हम जैसे लोग जब आपके सामने बैठते हैं, जो कानून के लिए काम करते हैं, जो जस्टिस के लिए काम करते हैं, जो कोर्ट के अंदर काम करते हैं, हम जैसे लोग आपके सामने आंकड़े खोल करके रखते हैं, मुसलमानों में कितने चंदाखोर हैं, मुसलमानों में कितने फितरा और ज़कात के नाम पर ठगी का एक कारोबार मचा करके बैठे हुए हैं, तब आप लोगों को समझ में आता है कि भारत के मुसलमान डिप्राइव नहीं है, बल्कि आतंक का एक बहुत बड़ा जमघटा भारत में चल रहा है इन मुसलमानों के द्वारा। तो अब बात ये आती है कि ये कैसे हुआ, उज्बेकिस्तान से राहुल गांधी की एक गुप्त यात्रा कंप्लीट हुई और वो वापस आए राहुल गांधी। मैं आपको बताती चलूं कि ये वही राहुल गांधी हैं जो इंदिरा गांधी के पोते हैं और नेहरू के परनाती हैं, और ये गांधी परिवार से हमेशा पाकिस्तान बहुत खुश रहा है हमेशा। अभी कुछ दिन पहले 2023 में जब गोवा में बिलावल भुट्टो आया था तो उसने भी पाकिस्तान पहुंचने के बाद ये बात कही थी कि भारत के मुसलमान तब खुश थे जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। आप उसको निकाल करके गूगल में अपने पाकिस्तान में भी चेक कर सकती हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान जाने के बाद ही ये बात बोला था। अब बात आती है कि ऐसा क्या है इस गांधी परिवार में जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की सरकार खुश होती थी, और आज भी बहुत मलाल करती है कि गांधी परिवार क्यों चला गया। मैं उसका निचोड़ आपको बताती हूँ कि जब गांधी परिवार था तो अजमल खसब आता था, जब गांधी परिवार था तो हमारे पार्लियामेंट में, संसद में टेररिस्ट अटैक होता था, जब गांधी परिवार था तो पूरे कश्मीर में लश्करे तैबा का आतंक मचा हुआ था, कश्मीरी पंडितों की बेटियों को उनके माता पिता के सामने बलात्कार किया जाता था, बच्चों के हाथ में पत्थर हुआ करते थे। ये गांधी परिवार था जब भारत को तोड़ करके पाकिस्तान इस्लामिक देश दे दिया गया, ये गांधी परिवार था जब बांग्लादेश तोड़ करके दे दिया गया, ये गांधी परिवार था जब 1955 में सऊदी अरबिया के प्रिंस के आने पर मंदिरों में पर्दे लगाए गए थे, ये गांधी परिवार था जब भारत के मुसलमान दलितों से भी एडुकेशन में पीछे थे, ये गांधी परिवार ही था जब उत्तर से लेकर दक्षिण और दक्षिण से लेकर के पूरब पश्चिम, यहाँ तक के यूपी, लखनऊ, मुरादाबाद, बॉम्बे, महाराष्ट्र, दिल्ली, हर जगह बमबारी और बलात्कार जैसी घटनाएं बिल्कुल आम थी, ये गांधी परिवार था। और आज 9 साल में जहां पर भारत में एक आलू बम नहीं फटा किसी को तकलीफ देने के लिए, किसी की जान लेने के लिए, वहां पर 6 बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं। कब हुए हैं? जब राहुल गांधी की उज्बेकिस्तान से एक गुप्त यात्रा के द्वारा वो रिटर्न आए हैं तब हुई है। इससे पहले भी 2019 और 20 में राहुल गांधी ने गुप्त यात्रा किया था और भारत विरोधी लोगों से उन्होंने मुलाकात की थी, जिसके कुछ पिक्चर्स भी काफी वायरल हुई कि भारत के विरोधी लोगों से ये क्यों मुलाकात करते हैं। यही राहुल गांधी परिवार के वो व्यक्ति जो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लालच में और दौड़ में इतने ज्यादा एहसान फरामोश हो चुके हैं, जिनके परिवार में से 3 लोगों को भारत ने अपने वोट के द्वारा प्रधानमंत्री के चेयर पर बैठाया, और आज उनकी मुलाकात
विदेशी गुप्त यात्रा में ऐसे ऐसे भारत विरोधी लोगों से होती है जो एंटी हिंदू का स्लोगन लगाते हैं, जो एंटी हिंदुइज्म का स्लोगन लगाते हैं और ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन खोल कर बैठे हैं। यही राहुल गांधी विदेशी अपने गुप्त यात्रा में जा करके कहते हैं कि भारत में उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। तो भैया तूने भारत जोड़ो यात्रा कैसे कर लिया, और इतनी प्रियंका वाड्रा और ये दोनों भाई बहन और ये 28 माथा के रावण वाली जोड़ पार्टियों ने इतना ज्यादा हड़कंप कैसे मचा कर रखा हुआ है अब तक। अब बात आती है कि सरकार जो है केरला में वो कांग्रेस अलाइज सीपीआईएम की है। सीपीआईएम की सरकार जो वहां पर स्टेट गवर्नमेंट है वो कहां बैठी है, वो जंतर मंतर दिल्ली में धरना दे रही है। और उन कांग्रेस और सीपीआईएम की सरकार जिस स्टेट में है केरला में, वहां पर 6-6 बमबारी हो रही है और सरकार कहां बैठी है, दिल्ली के जंतर मंतर में बैठी है सुकून से। किस लिए बैठी है, इसराइल की विरोधिता करने के लिए बैठी है। आज भारत में निम्रा आप पाकिस्तान से बैठी हुई हैं, आज भारत में बहुत सारे ऐसे जिहादन लड़कियों के चेहरे हैं जो आप स्क्रीन पे भी दिखा रही हैं, जो फलस्तीन जाने की जिद कर रही है और ये भी अपने मुंह से एक्सेप्ट कर रही है कि हम लोगों ने फंड रेजिंग करवाना स्टार्ट कर दिया है। भारत में जिहादी और जिहादन का कुछ ऐसा जो गुट सामने आया है जो कभी अफजल गुरु और आफरीन का सामने आया था, हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगा था, वैसा ही एक गुट अब सामने आ रहा है और कुछ जिहादन महिलाएं और जिहादी मुसलमान पुरुष और उनको सपोर्ट करने वाले ऐसे ऐसे विपक्षी दल के नेता इस भारत में फंड रेस करवा रहे हैं, जो फंड वो हमास के पक्ष में करवा रहे हैं पर वो कभी भी हमास को जाने वाला नहीं है, कभी भी जाने वाला नहीं। इन्होंने फंड रेस करवाना स्टार्ट किया है, एक नया कारोबार स्टार्ट किया, एक नया कारोबार भीख मांगने का स्टार्ट किया है। अब बात आती है कि इस बॉम्ब ब्लास्ट से महज 48 घंटा पहले हमास के समर्थक में एक खतर में बैठा खालिद मशल एक वीडियो छोड़ता है, वायरल करवाता है, जिसमें ये लिखा होता है कि केरला में एक बहुत बड़ी मिचल होने वाली है जिसमें सारे मुसलमानों को और हमास के समर्थनों को एकजुट होना है और हमें हमास के समर्थन में खड़े होना है। और कुछ ही समय के बाद वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट, 6 बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। अब आप सोचिए कि कतर से बैठे बैठे एक बंदा है खालिद मशल, वो एक वीडियो वायरल करवाता है और केरला के सारे लोग खड़े हो जाते हैं हमास के समर्थन में खड़े होने के लिए। अब मैं इसके बारे में बता देती हूँ कि ये खालिद मशल है कौन। खालिद मशल एक आतंकवादी है और ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट याकूब मेमन के साथ काफी काम भी इसने गुप्त तरीके से किया है। और ये वही कतर में है, ये वही कतर में बैठा हुआ है जहां पर हमारे 8 फॉर्मर नेवी को डेथ पेनल्टी की फांसी की सजा दी गई है। अब आपको और जनता को और व्यूअर्स को यह समझना पड़ेगा कि आखिर ये कौन सा षड्यंत्र भारत के सुकून, भारत की तरक्की, भारत के बढ़ते हुए कदम, भारत के इकोनॉमी के बढ़ते हुए आंकड़े के विरोधिता में खड़ा हुआ है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। और इस वीडियो के बारे में जो भी आपके विचार हैं आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।